हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या हम जिसे सीबीआई के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है सीबीआई? एक ये प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है इंडिया की सीबीआई, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के अंतर्गत काम करती है। और इसमें एक डायरेक्टर होता है जो सीबीआई को हेड लीड करता है। ओके, सो ये सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट करती है वो इकोनॉमिक्स क्राइम्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्पेशल क्राइम्स होते हैं, केसेस होते हैं करप्शन के, और हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनको ये इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई का हेड क्वार्टर लोधी रोड न्यू दिल्ली में है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सीबीआई, तो हमें याद रखना है कि सीबीआई का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब सीबीआई जो था फर्स्ट, उसको हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1941 में था, तो उसे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते थे, और फिर 1941 के बाद इसको सीबीआई का नाम दे दिया गया। इसका पहला हेडक्वार्टर जो था पहले, जब एसपीई होता था, ये वो लाहौर में था। अब सीबीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है? सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो जनरली आईपीएस सर्विसेज का एक ऑफिसर होता है, जो डीजीपी रैंक का ऑफिसर होता है। और सिलेक्शन कमेटी अभी चेंज हो गई सीबीआई की, पहले अलग होता था, तो पहले वाली हमें याद रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यदि वह पूछते भी हैं तो रिसेंट सिलेक्शन कमेटी के बारे में पूछते हैं। तो ये जो कमेटी चेंज हुई है वो लोकपाल एक्ट 2014 जो है उसके आधार पर चेंज हुई है। इसमें जो चेयरपर्सन होता है कमेटी का वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन वो मेंबर होते हैं, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जज है वो किसी एक मेंबर को रिकमेंड करता है, तो वो भी एक मेंबर होता है सिलेक्शन कमेटी का। हम इसके ज्यूरिस्डिक्शन पावर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं सीबीआई की क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, उसके बेसिस पे सीबीआई को बनाया गया है, और सीबीआई का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके हाथ में रहता है सीबीआई का। वो चाहे तो सीबीआई का जो एरिया है ज्यूरिस्डिक्शन का वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के। सीबीआई कौन कौन से मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करती है? तो सीबीआई जनरली जो फ्रॉड होता है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपार्टमेंट आते हैं। कोई बड़ा इकोनॉमिक क्राइम हो, बैंक फ्रॉड हो, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज का वायोलेशन हो, या बहुत लार्ज स्केल पे स्मगलिंग हो, नारकोटिक्स और एंटिक कल्चरल प्रॉपर्टी की स्मगलिंग, और स्पेशल क्राइम्स होते हैं जो टेररिज्म हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सेंसेशनल होमसाइड्स हो गया, किडनैपिंग ऑफ रैंसम एंड क्राइम कमिटेड बाय द माफिया अंडरवर्ल्ड, तो ये सारे जो क्राइम्स होते हैं इनको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना होगा, जो मिनिस्ट्री है, रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री है उसको, तब वो सीबीआई उस स्पेसिफिक केस का इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये था हमारा सीबीआई के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार इस वीडियो को देखें, ताकि जो सीबीआई के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।